मुद मंगल में सन समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सद्गुरु कबीर ने समाज को क्या दिया, उनकी क्या विशेषता रही है, यह सब आप अच्छी तरह जानते हैं और अनेक संतों द्वारा या वक्ताओं द्वारा आपने आज के कार्यक्रम में श्रवण भी किया। सद्गुरु कबीर की ये सबसे बड़ी विशेषता रही है उन्होंने प्रेम को और विवेक को सबसे ज्यादा महत्व दिया। अभी हमारे साथी कह रहे थे मीरा के यहां गिरधर गोपाल हैं, सुर के यहां बालकृष्ण है, तुलसी के यहां रामचंद्र हैं, कबीर के यहां कौन है, कबीर के यहां इंसान है। पूरी कबीर वाणी के केंद्र में इंसान है, मनुष्य है बस। और कबीर जब भी कोई बात कहते हैं तो मनुष्यों से ही कहते हैं। ये सब जानते हैं कि उन्होंने लिखा कुछ नहीं है, केवल कहा है। और कहना सदैव मनुष्यों के बीच होता है। तो उन्होंने मनुष्यता को श्रेय दिया, इंसानियत को श्रेय दिया। हम कुछ और बन पाए या न बन पाए, यदि केवल मनुष्य बन जाए तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मनुष्य बनने के लिए बहुत कुछ को छोड़ना पड़ेगा। मनुष्य का शरीर हमारा है, मनुष्य की आकृति हमारी है, लेकिन क्या सचमुच में हम मनुष्य बनकर जीते हैं या मनुष्यता हम में है? या तो हम हिंदू बनकर जीते हैं या मुसलमान बनकर जीते हैं, सिख ईसाई बनकर जीते हैं, या ब्राह्मण बनकर के जीते हैं, या शूद्र या बनकर जीते हैं, या अनेक जाति लेकर के जीते हैं, या कोई पद है उस पद को लेकर जीते हैं। मनुष्य बनकर कहाँ जीते हैं? किसी से भी पूछो तो शायद कोई कहेगा कि मैं मनुष्य हूं, और कोई कह भी दे कि आप कौन हैं, उत्तर देने वाले ने कहा कि मैं मनुष्य हूं, तो हम समझेंगे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, संतोष नहीं होगा। वो कहेगा अरे वो तो मैं जान ही रहा हूं तुम मनुष्य हो, ये बताने की क्या बात है? लेकिन आप पूछना क्या चाहते हो फिर? मनुष्य बनना और मनुष्य को मनुष्य समझना और मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करना,
इससे बड़ी और बात क्या होगी, इससे बड़ा और धर्म क्या होगा। सबका विश्वास अलग अलग, सबकी मान्यता अलग अलग, इसलिए कौन छोटा है कौन बड़ा है ये बेकार की बात है। छोटा बड़ा कोई नहीं, अपनी अपनी जगह पर सभी बड़े हैं। धर्म के क्षेत्र में या मत मजहब संप्रदाय के क्षेत्र में चलने वाले जितने लोग हैं, कोई किसी ढंग से पूजा करता है, कोई किसी ढंग से पूजा करता है, कोई किसी ढंग से पूजा करता है, पूजा पाठ के नियम, उपासना के कर्मकांड के नियम, प्रार्थना के नियम, प्रार्थना की शब्दावली अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, तो वो अंतर रहा है, अंतर रहेगा। और जो जिस प्रकार से पूजा करता है, पाठ करता है, उसको बड़ा मानता है। जिस मत पंथ संप्रदाय में वो जन्म लिया है या दीक्षित हुआ है, उसको वो बड़ा मानता है। और बड़ा मानना भी चाहिए, बड़ा मानना गलत नहीं है। जिस श्रेणी में मैं हूं, जिस परंपरा में मैं जी रहा हूं, उस परंपरा को, उस श्रेणी को, उस मजहब को मैं जब तक बड़ा नहीं मानूंगा, तब तक मेरी उसके प्रति निष्ठा नहीं होगी। और निष्ठा नहीं होगी तो उसमें जो बातें कही गई है, उन बातों का मैं पालन नहीं कर पाऊंगा, आचरण नहीं कर पाऊंगा। तो हर व्यक्ति अपनी परंपरा को, अपने मत को, मजहब को, संप्रदाय को, अपने पूजा पाठ के नियम को, अपने धार्मिक स्थल को बड़ा मानता है, मानना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति को एक बात का अच्छी तरह से ख्याल करना चाहिए और रखना चाहिए कि आप अपने मत मजहब संप्रदाय, गुरु, पैगंबर, पीर, अवतार, इन सबको बड़ा तो माने, लेकिन दूसरे के गुरु को, दूसरे के मत मजहब को, दूसरे के पीर पैगंबर को, दूसरे पूजा को छोटा कभी मत कहो। अपने को आप बड़ा मानने के अधिकारी हम हैं, लेकिन दूसरे की गुरु को, दूसरे की मत पंथ संप्रदाय को, दूसरे की पुस्तकों, दूसरे पूजा पाठ को छोटा कहने का अधिकार हमारा नहीं है। और जब हम अपने गुरु संप्रदाय, मत मजहब, पूजा पाठ को बड़ा मान लेते हैं और दूसरों को छोटा कहते हैं, यहीं पर सांप्रदायिकता पैदा हो जाती है और यही इंसानियत गायब हो जाती है। और जब बड़ा छोटा होगा तो लड़ाई तो होगी, कलह तो होगा, सब छोटे हैं, सब बड़े हैं, कहां कलह, कहां लड़ाई, कहां सांप्रदायिकता, मारामारी कहां होगी। इसलिए किसी को भी छोटा मत माने, अपनी जगह पर वह भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, अपनी जगह पर वो भी बड़ा ही है। विश्वास आपका जो हो, मान्यता आपकी हमारी जो हो, वो हमारा व्यक्तिगत विषय है, लेकिन मनुष्यता वो तो सार्वभौम है ना। मनुष्यता में कोई विशेष नहीं है, मनुष्यता में कोई छोटा बड़ा है नहीं। दुर्भाग्य से हम मनुष्यता को न समझने का प्रयास करते हैं और न तो जीने का प्रयास करते हैं। बाहरी जो बातें हैं
उनको लेकर के हम भूल जाते हैं। मनुष्यता के लिए कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, पूछना पड़ता है अन्यों के लिए। एक बात है, जो सच होता है उसके लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है, और जो हम पूछ करके जानते हैं वो औपाधिक है, वो झूठ होता है। कुदरत ने, प्रकृति ने, भगवान ने, खुदा ने, या कुछ भी, सब नाम ले लो आप जो भी, वहां कोई भेदभाव नहीं है। सबको प्यास लगती है, चाहे जो हो, सबकी प्यास पानी से ही बुझती है, सबकी भूख भोजन से ही दूर होती है, मीठी वाणी सबको प्रिय होती है, सबके मन में प्रेम की भूख है, प्रेम की प्यास है, सबको सम्मान अच्छा लगता है, अंतर इसमें कहाँ है? तो जो मूल बात मैं कह रहा था कि जिसके लिए पूछना ना पड़े वो सच, और जिसके लिए पूछना पड़े वो झूठ। इस झूठ का प्रयोग है, यह इस झूठ की जरूरत है व्यवहार चलाने के लिए, लेकिन उसको अपनी जगह पर रख करके सच्चाई को भी हमें हर समय ध्यान में रखना चाहिए। एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बिल्कुल नादान, महीने दो महीने का एक बच्चा है, उसके पास कोई नहीं है, मान लो सुरक्षित है, सुरक्षित जगह पर है, अकेला है, उसके पास कोई नहीं है। अब छोटा नादान बच्चा है, न दाढ़ी है, न चोटी है, न जनेऊ है, न खतना है, न तो तिलक है, न कुछ भी नहीं है। उस छोटे बच्चे को बिल्कुल एकांत में देख करके क्या आप गारंटी के साथ ये कह सकोगे कि ये बच्चा हिंदू का बच्चा है, कि मुसलमान का बच्चा है, कि ईसाई का, कि पारसी का, जैन का बच्चा है, कि बौद्ध का बच्चा है, कैरपंथी का है, कि वैष्णव का है, कि वेदांती का है, कि आर्य समाजी का बच्चा है? क्या आप गारंटी के साथ ये बता सकोगे कि छोटा बच्चा ब्राह्मण का बच्चा है, कि चमार का बच्चा है, कि छत्री का बच्चा है, कि बनिया का, कि अग्रवाल का बच्चा है, कि नाई या धोबी का बच्चा है? आप गारंटी दे सकोगे? लेकिन गारंटी के साथ ही कह सकोगे ये मनुष्य का बच्चा है, पूछना नहीं पड़ेगा। इसलिए मनुष्यता सच, बाकी जितने भी हैं झूठ है। लेकिन बताया मैंने, इस झूठ की जरूरत व्यवहार के लिए है, व्यवहार अपना कर लो, लेकिन इनके आधार पर किसी को छोटा बड़ा मत मानो। मैं मनुष्य, आप मनुष्य, दोनों की आवश्यकताएं एक समान, प्रेम से रहें, मिलजुल करके रहें, मिलजुल करके बांट करके खाएं, खिलाएं, इतने कला कहां है? हम प्रेम से रहना नहीं जानते, अपने को बड़ा मान लेते हैं, और अपने को जब बड़ा मान लेते हैं, अहंकार आएगा बड़प्पन का, तो निश्चित है कहीं ना कहीं हमसे दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार होगा, मनुष्यता टूटेगी, खंडित होगी, कलह बढ़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने इंसानियत, मनुष्यता को श्रेय दिया। स्वयं मनुष्य बनकर के जिए, उन्होंने तो ये कह दिया, हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना है, पांच तत्व का पुत्रा गैवी खेले माए। सभी भी कहते हैं, कहें कबीर सुनो रे भोंदू, बोलन हारा तुरुक न हिंदू। ये भीतर बोल रहा है चेतन आत्मा, जो एक रूह बैठ है भीतर में, वो रूह तो हिंदू मुसलमान नहीं है ना,
हिंदू मुसलमान ब्राह्मण क्षेत्र थे, ये शरीर के लिए हम कहते हैं, रूह का चेतन जो जीव है, जो आत्मा है, इसका तो कोई धर्म नहीं है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, वो तो सब एक बराबर है, मेरे भीतर आपके भीतर, तो उसी को क्यों नहीं समझते हम। गहना एक कनकते गहना यामे भावना दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। सोने के गहने बनते हैं अनेक प्रकार के, नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मूलतः क्या है? सोना। एक नमाज पढ़ता है, पूजा करता है, लेकिन नमाज और पूजा के उसका उद्देश्य क्या है? अपने इष्ट के प्रति समर्पण, अपने इष्ट को याद करना, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? इष्ट के प्रति समर्पण भाव, इष्ट के प्रति विनम्रता। और इससे होता क्या है? हमारा मन सरल बनता है, कोमल बनता है, प्रसन्नता आती है जब इष्ट की याद करते हैं, अच्छी भावना बनती है। वही सरल, वही कोमल और विनम्र भाव हमें दूसरों के साथ करना होगा। हम कहते जरूर हैं, अब बहुत शांत से हम कहते हैं, लेकिन प्रयोग नहीं कर पाते, व्यवहार में नहीं ला पाते। हिंदू परंपरा में कहा जाता है, भगवान कण कण में व्याप्त है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। मुस्लिम परंपरा में कहा जाता है, जर्रे जर्रे में खुदा है। बात वही है, शब्द अलग अलग हैं, भाषा अलग अलग है, लेकिन अर्थ दोनों का है। कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरा साईया सुनी सेज न कोई, वही बात आ गई। जब कण कण में भगवान है, तो जर्रे जर्रे में खुदा है, तो किसी इंसान का दुर्व्यवहार करना खुदा और भगवान के साथ ही दुर्व्यवहार करना। जिसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, सोचो उसमें खुदा है या नहीं है, उसमें भगवान है या नहीं है। जिसको छोटा मार रहे हो, जिसका तिरस्कार कर रहे हो, जिसे धुतकार रहे हो, उसमें भी तो आपका खुदा है, उसमें भी तो आपका परमात्मा है, उसमें भी तो आपकी चेतना है। एक और भगवान की भक्ति, और एक और जो प्रत्यक्ष भगवान सामने खड़ा हुआ है उसका तिरस्कार, ये तो सही भक्ति नहीं हुई। जब हम कोई भी हो अपनी इष्ट की याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मन कोमल बन जाता है, विनम्र बनता है। वही कोमलता का व्यवहार, वही विनम्रता का व्यवहार, जैसे आप अपने धार्मिक स्थल में गए, उपासना स्थल में गए, उपासना करने के लिए, पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए, तो जिस समय उस समय आपका मन कोमल है, वही कोमलता सामने कोई मनुष्य आ गया उसके साथ व्यवहार करें, बस आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। कबीर साहब ये बात कहते हैं हमको। पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, ठीक है, आपकी भावना, एक उपासना स्थल, मंदिर कहो, मस्जिद कहो, गिरजा गुरुद्वारा कहो, मठ आश्रम कहो, ये सब उपासना स्थल है। अपने अपने ढंग से जाकर के वहां लोग उपासना करते हैं, लेकिन किसी उपासना स्थल में जाने का, किसी मंदिर में जाने का अर्थ क्या होता है? क्यों जाए हम? जीवन में परिवर्तन, मन में परिवर्तन। और जब मन में परिवर्तन होगा, जीवन में परिवर्तन होगा, जीवन में परिवर्तन होगा तो व्यवहार में परिवर्तन होगा। मंदिर जाने का, किसी धार्मिक स्थल में जाने का अर्थ होता है हमारा मन मंदिर बने, हमारा जीवन मंदिर बने, और हमारा परिवार मंदिर बन जाए। मन मंदिर बनेगा अच्छे विचारों से,
पवित्र विचार होते, जितने पवित्र विचार करते, ये समझ लें गंदे विचारों के समान, यदि मन में हमारे गंदे विचार चल रहे हैं, खुराफात दिमाग में चल रही है, तो इससे बड़ा नरक अभी आपको यहां कहीं नहीं मिलेगा। और मन में यदि मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, कला है, कल्पना है, यही तो नरक है प्रत्यक्ष। प्रेम है, सेवा है, समता है, विवेक है, सरलता है, विनम्रता है, अच्छे विचार, निर्मल विचार मन में है, मन आपका एकाग्र है, मन हमारा एकाग्र है, शांत है, जीते जी भी साहब तो कहते हैं हो ये विहिष्ट जो चित्त न डोलावे। यदि अपने चित्त को चंचल मत करो तो आज तुम्हें यही विहिष्ट मिल जाए, यही जन्नत मिल जाए, यही स्वर्ग मिल जाए। तो मंदिर जाने का अर्थ होता है हमारा, हमारे मन का मंदिर बनना। और मन मंदिर कब बनेगा? जब निर्मल विचार, सारे गंदे विचारों का त्याग, अब मन निर्मल है, कोई गंदा विचार मन में नहीं है, तो आपको हर जगह आपका परमात्मा मिला हुआ है, आपका हर जगह आपका उपास्य मिला हुआ है। साहब कहते हैं यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आपका मन निर्मल तो आपने इष्ट को जहां जाओगे आपका इष्ट आपके साथ बना हुआ है, आपको पास आपके साथ बना हुआ है। हमें यही करना है। तो मन हमारा मंदिर कब बनेगा? जब हमारा, हमारे मन के विचार निर्मल हो जाएंगे। जीवन मंदिर कब बनेगा? जब हमारे कर्म, आचरण, चरित्र शुद्ध हो जाएंगे। और परिवार समाज मंदिर कब बन जाएगा? जब प्रेम का, सेवा का, समता का, विश्वास का व्यवहार हो जाएगा। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करो तो पूजा, जब करो तो, जब सो तो करो दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। अपने मन को, अपनी भावनाओं को इतना उदात्त बना लें, इतना निर्मल बना लें कि आप कहीं भी आपका आना जाना, खेत जा रहे हो, खलिहान जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो, कारखाना जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपका आना जाना, चलना फिरना सब परिक्रमा हो जाएगा। अब भावना गलत है तब, किसी धार्मिक स्थल की भी परिक्रमा करते हो तो वो परिक्रमा परिक्रमा नहीं कहलाएगी, वो तो केवल हमारा दंभ बढ़ जाएगा, हम धोखे में जीवन जी लेंगे। और जो कुछ करो तो पूजा, साहब कहते हैं सेवा भावना से, कर्तव्य भावना से, पवित्र भावना से जो कुछ की कर्म किया जा रहा है वो सब पूजा है। ये समझ लें, यदि आप दुकानदार हैं, दुकान का काम करते हैं, तो जितने भी ग्राहक आपकी दुकान में आ रहे हैं, ये समझें कि भगवान इस रूप में मेरे दुकान में आए, मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं। मेरा राम, मेरा परमात्मा, मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, मेरा गॉड इस रूप में मेरे सामने हैं, उचित सामान दे, उचित कीमत लें, कुछ न कुछ मुनाफा तो लेना पड़ेगा, नहीं तो खाओगे क्या? तो आपका दुकान में सौदा बेचना पूजा बन जाएगा, दुकान आपके लिए मंदिर बन जाएगी। किसी दफ्तर में काम करते हैं, किसी कार्यालय में काम करते हैं, जितने भी ग्राहक आ रहे हैं, समझ लो भगवान परमात्मा इस रूप में मेरे ग्राहक बनकर के मेरे सामने आए हुए हैं। सही ढंग से काम लो, सही ढंग से काम करो, उसका दफ्तर आपके लिए पूजा स्थल बन जाएगा। कहीं भी हो, सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करें, सेवा सेवा भावना से करें, और हर मनुष्य में अपने इष्ट को देखें तो जीवन में कभी गड़बड़ी ना आएगी। यही हम नहीं करते हैं,
किसी धार्मिक स्थल में जाकर के पूजा कर लेना बहुत सरल है, लेकिन कार्यस्थल को पूजा घर बनाना बहुत कठिन है। और जब तक हमारा कार्यस्थल पूजा घर नहीं बनेगा, तब तक न तो हम स्वयं सुख से जी सकेंगे, न दूसरों को सुख से जीने देंगे। कहीं ना कहीं जीवन में गड़बड़ी रहेगी ही रहेगी। मूल बात हमें समझने की आवश्यकता है। और कबीर साहब हमको यही कहते हैं, मैंने शुरू में कहा था, इंसानियत यदि हम समझ जाए ना, मनुष्यता को समझ जाए, तो कभी दूसरों के साथ गलत व्यवहार होगा ही नहीं। इसीलिए साहब ने प्रेम को कहा। ढाई आखा प्रेम का कहना उनका क्या है? प्रेम का व्यवहार होगा कहीं गलत होगा? प्रेम करता क्या होता है? प्रेम में सदैव यह होता है, प्रेम में सामने वाला व्यक्ति केंद्र में होता है और हम परिधि में होते हैं। स्वार्थ में हम केंद्र में हो जाते हैं, बाकी सबको परिधि में कर देते हैं। जब केंद्र में हम हैं तो हमें अधिक सुविधा मिले, अधिक सम्मान मिले, सब कुछ अधिक मिले, क्योंकि स्वार्थ है। स्वार्थ में सिर्फ अधिक अधिक लेने की भावना होती है और प्रेम में देने की भावना होती है, समर्पण की भावना होती है, त्याग की भावना होती है। बिना त्याग के प्रेम नहीं हो सकता, बिना समर्पण के प्रेम नहीं होगा और बिना दिए प्रेम नहीं होगा। जब देंगे तो त्याग अपने आप आ जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, ढाई आखा प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। लेकिन ये प्रेम पढ़ना सहज नहीं है। अपने आप को पूरा का पूरा कुर्बान करना पड़ेगा, मिटा देना पड़ेगा। स्वार्थ और प्रेम, अहंकार और प्रेम, अहंकार और मनुष्यता, स्वार्थ और इंसानियत, ये साथ साथ नहीं चल सकते। एक को छोड़ना पड़ेगा, एक को लेना पड़ेगा। साहब ने कहा है, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाए, शीश उतारे भूई धरे तब बैठो घर माए। शीश काट करके जमीन पर रख देना होगा, तब इस प्रेम के घर में, प्रेम के मंदिर में प्रवेश होगा। शीश काटने का अर्थ क्या है? अहंकार का विसर्जन। और हर आदमी को अपना अहंकार कितना प्यारा होता है। थोड़ी सी चोट लगती है अहंकार में, कितना हमारा मन तिल मिला जाता है। सारी पूजा, सारी भक्ति, सारा धर्म इस अहंकार के त्याग में है। इसके बिना न हम भगवान समझ सकते हैं, न कुछ किसी भी नहीं समझ सकते। तो साहब की पहली बात है इंसानियत और इंसानियत का व्यवहार। कभी भी कहीं भी कोई अपरिचित या परिचित या अपरिचित आदमी मिले, ट्रेन में, बस में, यात्रा में या कहीं भी, कभी भी ये मत पूछो कि आप किस जाति के हो, किस वर्ण के हो, किस दूध के हो, किस मजहब के हो। अरे देख रहे हो जैसे आप वैसे वो, वैसे वो बस। प्रेम का, सेवा का, समता का व्यवहार कर लो। फिर बचेगा क्या? दूसरी बात, धर्म को हमें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। धर्म किसी पोथी पुराण में नहीं है, धर्म किसी धार्मिक स्थल में नहीं है,
धर्म किसी अकात पताल में नहीं है और धर्म कोई जादुई चीज भी नहीं है। धर्म जीवन में है। ऐसे तो अर्थ हम कह सकते हैं सबसे बड़ा धर्म है मनुष्यता, इंसानियत। इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं होगा। एक मान साहब, कबीर साहब का एक संदेश था, एक मानव धर्म एक मानव जात। कबीर साहब की पूरी वाणियों के केंद्र में करेंगे तो यही बात आती है। धर्म को यदि हम थोड़े में समझना चाहें, एक वाक्य में समझना चाहें, तो हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, अपने पर संयम और दूसरों के साथ शील करुणा का व्यवहार, फिर क्या बचेगा? हमारा जितना अधिक अधिक हम अपने पर संयम रखेंगे, हर बात में संयम, उतना हम दूसरों साथ शील का करुणा का व्यवहार कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, कल्पना करें जैसे हमारे ये हमारी ये धरती है और उसमें जीवन है। मान लो इस अनंत ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा और ग्रह हो जहां जीवन हो। अभी तक हमें मालूम नहीं है कि कहां और जीव है या कहीं जीवन है। जैसे हमारी धरती, हमारी पृथ्वी इस अनंत ब्रह्मांड में तैर रही है, अनंत ब्रह्मांड के सामने हमारी पृथ्वी तो धूल के कण बराबर भी नहीं है। कैसे कैसे ग्रह हैं, कैसे कैसे तारे हैं, उनके बराबर क्या है धरती? धूल के कण बराबर भी नहीं है धरती। और हमें बड़ा गर्व है कि हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, हमारा भगवान बड़ा, हमारा भगवान बड़ा, हमारा भगवान ही, हमारा धर्म ही पूरे बनम ब्रह्मांड के लिए है। इससे बड़ी झूठी बात और क्या होगी? धूल के कण बराबर धरती नहीं है, उसमें हम भी एक कीड़े के बराबर रेंग रहे हैं, बस कीड़े से भी छोटा है हाँ आदमी। और अहंकार इतना कि हमारा गुरु, हमारा पीर, हमारा ये अनंत ब्रह्मांड के नायक और इसी के बताए रहते बचलते सबका कल्याण हो सकता है। ठीक है, आप मानो, लेकिन ये अहंकार दूसरे पर न ला दे। कल्पना करें कि जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में किसी और लोक में जीवन हो, किसी और ग्रह में जीवन हो और हम आप वहां पहुंच जाएं और वहां के मनुष्य सभ्य हो, तो हम देखेंगे हमारी पृथ्वी का कोई धर्म ग्रंथ वहां नहीं होगा, कोई उपासना स्थल वहां नहीं होगा, कोई पूजा पाठ के नियम वहां नहीं होंगे। जो हम भगवान जी हम मानते हैं वो भगवान का वहां नाम निशान भी नहीं होगा, उनका कुछ अपना अपना होगा, पूजा पाठ के नियम, उनके धार्मिक पुस्तक, उनके गुरु, उनके पीर, उनके पैगंबर, उनके अवतार, कुछ भी नहीं होंगे दूसरे ढंग से। इस धरती का कुछ भी वहां नहीं होगा, लेकिन वहां के मनुष्य यदि सभ्य हैं, शिक्षित हैं, तो सुख से वे भी तभी जीवित रह सकते हैं जब अपने पर संयम रखते हो और दूसरों साथ शील करुणा प्रेम का व्यवहार करते हैं। इसकी आवश्यकता किसको नहीं है? यही असली धर्म है। यह धर्म आ जाए ना, तब तो दुनिया ही स्वर्ग बन जाए, फिर मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए साहब कहते हैं, साधो जीवत ही करुवासा। ऐसा हो जिस स्वर्ग को तुम मुक्ति के, तुम मरने के बाद खोज रहे हो, उसको इसी जीवन में उतारने का प्रयास क्यों नहीं करते? धरती को स्वर्ग क्यों नहीं बनाते? धरती को बना रहे हैं नरक,
और मरने के बाद स्वर्ग की आशा कर रहे हैं। झूठे विश्वास में, झूठी आशा में जीवन खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है, हम जो कुछ करते हैं वो सब यहीं के समाप्त नहीं हो जाता है, लेकिन कम से कम इस धरती पर तो ठीक से रहना तो सीख जाएं। तो धर्म खोजने के लिए हमें किसी पोथी पुराण की आवश्यकता नहीं है या किसी धार्मिक स्थल में जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंतःकरण को टटोलने की आवश्यकता है, ये समझने कि मैं क्या चाहता हूं, बस मैं जो चाहता हूं अपने लिए वही व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर दें बस। और अपने लिए जो मैं नहीं चाहता वह व्यवहार दूसरों के साथ करना बंद कर दें। एक श्लोक में कहा गया है, श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुता से अभावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। सभी धर्मों के सार को सुनो और सुन करके उसका आचरण करो। वो क्या है? अपने लिए जो नहीं चाहते वह दूसरों के साथ न करें। अब सोचे अपने लिए हम क्या क्या नहीं चाहते, क्रोध नहीं चाहते, कटवाने नहीं चाहते, नुकसान नहीं चाहते, अपमान नहीं चाहते, तिरस्कार नहीं चाहते, निंदा नहीं चाहते, और ऐसे तो हमने दूसरों साथ करना बंद कर दे। जो चाहते अपने लिए वो करना शुरू कर दे, इससे बड़ा धर्म और क्या होगा। ये सबसे बड़ी इबादत, ये सबसे बड़ी पूजा। अरे पूजा हो जाए तो दुनिया ही स्वर्ग बन जाए। और अंतिम में तह कहते हैं, जीवन का जो परम लक्ष्य है जिसे हम अनेक नामों से पुकारते हैं, नाम तो अलग अलग है। एक चीज और, धर्म के नाम पर, मजहबों के नाम पर जितनी लड़ाइयां हैं सब शब्दों को लेकर के है, भाषाओं को लेकर के है, तर्क इबादत को लेकर के है। हम मूल बात को समझ लें तो अंतर नहीं होगा। इसलिए साहब को कहना पड़ा था, भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया, को कौने बौर आया, अल्लाह राम करीमा के तो हरिहजत नाम धराया। ये दो जगदीश कहां गए थे? करीम और केशव कहो, अल्लाह और राम कहो, हरि और हजरत कहो, बात तो वही है। शब्द शब्द का अंतर है। आप पानी नहीं पीना चाहते तो जल पियो, जल भी नहीं पीना चाहते तो आप पियो, वो भी नहीं पीना चाहते तो वाटर पी लो, आपकी मर्जी। आप पानी पीना चाहते हो कि जल पीना चाहते हो कि नीर पीना चाहते हो कि आप पीना चाहते हो कि तोय पीना चाहते हो या वाटर पीना चाहते हो, लेकिन अर्थ क्या अलग अलग हो जाएगा? हम हमात शब्दों को लेकर के लड़ जाते हैं, और शब्दों को लेकर लड़ने वाला न तो अपने धर्म को समझता है और न ही अपने इष्ट को समझता है। कबीर साहब का ये कहना है, चाहे जिस नाम ले से तुम पुकारो, जिसे खोद रहे हो वो बाहर कहीं नहीं है। परमानंद, परम शांति, स्वर्ग, मोक्ष, कल्याण या कुछ और, बाहर नहीं, खोजना नहीं है, प्राप्त है, समझना है, समझ करके स्थिर होना है। मृगा की नाभि कस्तूरी मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नाही। खोजते कहां है? जितना खोजें, जितना खोजेंगे उतना दूर होते चले जाएंगे। भटकने की आवश्यकता नहीं है,
ठहरने की, रुकने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बाहर से कोई चीज मिलेगी तो छूटेगी, क्योंकि नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि संयोग का वियोग होगा। अभी हम देखो, हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहां पर, आधे घंटे पश्चात यहां कोई नहीं रहेगा, सब कोई कहें जहां जहां तहां अलग अलग हो जाएंगे, तो मिलने का अंत वियोग में होगा। बाहर से हमें शांति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, या कुछ भी मिल जाए, बाहर से मिलेगा तो छूट जाएगा। अब मिला मिलाया है, तब जिसे बाहर खोज रहे हैं उसे अंतर क्यों ना खोजे, और खोजना भी नहीं है, समझना है, आत्मशोधन का काम करना है। एक उदाहरण देकर मैं बात समाप्त करूंगा। जैसे एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार एक अनगढ़ पत्थर को लेता है, छेनी और हथौड़ी के माध्यम से उसे गढ़ना, छीलना, संवारना शुरू करता है। धीरे 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 करते करते उसी अनगढ़ पत्थर के भीतर से एक सुंदर मूर्ति उद्घाटित हो जाती है। मूर्ति बनाने वाले ने उस मूर्ति को क्या बाहर ला करके उसमें बैठाया है? बाहर लाकर बैठाया नहीं है, मूर्ति उसी पत्थर में छिपी हुई थी, ढकी हुई थी। मूर्ति बनाने वाले सिर्फ इतना किया कि पत्थर के जिन अंशों ने मूर्ति को ढक रखा था, छिन्नी हथौड़ी के माध्यम से ठोंक ठोंक करके उनको अलग कर दिया। इसी प्रकार जिस नाम लेकर के आप उसे खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं और पा करके तृप्त होना चाहते हैं, वो आपके अंदर विराजमान है, आपकी भगवत्ता आपके भीतर स्थित है। करना क्या है? जो मनोविकार हैं, कलमश हैं, दोष दुर्गुण हैं, धीरे 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 उनको छांटते जाए, छांटते जाए, छांटते जाए, दूर करते चले जाए, भीतर से उसका उद्घाटन हो जाएगा। पाना कुछ है नहीं, कबीर साहब का ये संदेश है। उन्होंने बहुत कुछ इन बातों के लिए बहुत कुछ कहा है। तो कबीर जयंती के अवसर पर आज हम कबीर साहब को जब याद कर रहे हैं, तो और कुछ कर पाए या ना कर पाए, इतना तो कर लें कि मनुष्य को मनुष्य समझ करके मनुष्यता का व्यवहार करना शुरू कर दे। जाति, वर्ण, मत, मजहब के आधार पर किसी को भी छोटा मानना बंद करें, किसी का अपमान तिरस्कार करना बंद करें। प्रेम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आदर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, निरादर मत करो। सेवा नहीं कर सकते, कष्ट मत दो, सुख नहीं पहुंचा सकते, दुख देना बंद कर दे, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। और धर्म इसी में है, अपने पर संयम और दूसरों के साथ शील और करुणा का व्यवहार। खोजना भटकना कहीं नहीं है, आत्मशोधन का काम करना है, मन को निर्मल बनाते चले जाना है। जो चाहते हैं सबका अनुभव इसी जीवन में होना शुरू हो जाएगा। प्रेम, सेवा, समता और अंतर्मुक्ता, ये बात आ जाएगी तो धर्म के नाम पर तमाम प्रकार के जो पाखंड चलते हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, कोई उलझना नहीं है, सरल बन जाना है बस। सरलता, मनुष्यता का अर्थ होता है सरलता, दिखावा रहित। कबीर साहब सबसे विरोधी थे यदि किसी के थे तो दिखावा के, पाखंड के, चाहे वो पाखंड धर्म के नाम पर हो, धार्मिक स्थल के नाम पर हो, ईश्वर खुदा के नाम पर हो,
साधुता और गुरुवाई के नाम पर हो, किसी के नाम पर भी यदि पाखंड है, तो कबीर साहब ने इसका जोरदार शब्दों में खंडन कर दिया है। एक और कबीर इतने तीव्र शब्दों में खंडन करते हैं कि सुनने वाला तिल मिला जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो इतने विनम्र हैं, ये क्या कहना। और दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब धर्म के नाम पर वो फटकारते हैं धार्मिक नेताओं को, उनके शोषण तंत्र को देख करके, तो ऐसा लगता है कि कबीर की वाणी से एकदम ज्वालामुखी निकल रही है, सब कुछ को जला करके भस्म कर देगी। लेकिन जब हम अध्यात्म देखते हैं, उनकी साधना की बात जब देखते सुनते पढ़ते हैं, जब साधकों से बात कहते हैं, तो इतने सरल, इतने विनम्र, इतनी मिठास से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उनकी वाणी से एकदम शीतल पानी का झरना निकल रहा है। और दोनों एक ही सिक्के के दो पहले हैं। वहां भी जहां फटकारते हैं कबीर साहब, वहां भी वो अपनी पूरी समग्रता के साथ उपस्थित हैं, और अध्यात्म क्षेत्र आता है वहां भी अपनी पूरी समग्रता के साथ उपस्थित हैं। दोनों को, कबीर के दोनों भाग को अलग अलग काट कर देखा नहीं जा सकता है, दोनों को मिल करके कबीर पूरे होते हैं। और पाखंड में हम जितना दूर होंगे अध्यात्म को उतना समझ पाएंगे, नहीं तो पाखंड उलझते उलझते तो मूल बात से हम उतने दूर होते चले जाते हैं। इसलिए साहब विवेक पर जोड़ देते हैं। साहब ये कहते हैं, सबकी बात सुनो, सबकी बात सुनो, व्यवहार के लिए भी जरूरत है। कोई हमारे सामने आया और कहने लगा, उसकी बात हो सकती है बिल्कुल गलत हो, लेकिन धैर्य पूर्वक उसकी बात को सुन लें तो कम से कम उसके मन में मेरे लिए प्रेम तो जग जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि उसकी बात में मान ही लूं, लेकिन जब उसकी बात में सुन लूंगा पूरा धैर्य पूर्वक, तो प्रेम तो पैदा होगा, मृषता तो जगेगी। तो सबकी बात सुनो, जितना जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने महापुरुष हैं, दुनिया के हमें समझना होगा, दुनिया में के जितने भी महापुरुष हैं, और दुनिया सही महापुरुष सब नाम बताने का आवश्यकता नहीं है, ये समझने कि सब हमसे बड़े हैं, कम से कम हमसे छोटे कोई नहीं है। इसलिए दुनिया के सभी महापुरुषों के प्रति हमें श्रद्धावनत होने की आवश्यकता है, सिर झुकाने की आवश्यकता है। वे हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, हमारे सिर मुकुट हैं, सबको आदर दें। और जितने धर्म ग्रंथ हैं कहीं के भी, जितना पढ़ पाते हैं, जितनी भाषाओं का ज्ञान है, पढ़ें, सबको आदर दें। लेकिन कबीर साहब का कहना है, आंख मूंदकर किसी की बात मत मानो, सबको श्रद्धा दो, सबके आदर दो, सबको सम्मान दो, लेकिन आंख मूंदकर किसी की बात मत मानो। सोचो, विचारो, और जो विवेकपूर्ण लगता है, तर्क कसौटी पर प्रकृति की जो कारणकारी व्यवस्था है, विश्व के जो शाश्वत नियम है, उनके अनुकूल जो बात है, उस बात को स्वीकार कर लो, बाकी को छोड़ दो। ये बात गलत है ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जो साधु वैसा चाहिए, जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ा है। इसलिए सबको आदर दें, सबका सम्मान करें, लेकिन विवेक को सर्वोपरि रख करके छोड़ना हो विवेक पूर्वक, पकड़ना हो विवेक पूर्वक, फिर कहीं गड़बड़ी नहीं होगी, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। प्रेम, इंसानियत और विवेक, और अंत में आत्मज्ञान पूर्वक आत्मस्थिति। सदगुरु कबीर साहब के संपूर्ण वाणियों का संदेश का यही सार है। यह हमें समझना है, दूसरों साथ प्रेम के इंसानियत का व्यवहार करें, और अपने धार्मिक रीति रिवाज का पालन करते हुए अपने शांति सुख के कल्याण के रास्ते में बढ़ें।
इसी से हम सुखी रहेंगे, दूसरे सुखी रहेंगे, दुनिया का मंगल होगा। और ये कहना चाहिए कि भाई ये केवल कबीर साहब के लिए नहीं, दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं उन सब के लिए हमारी सही श्रद्धांजलि होगी। आप लोगों ने मेरी बातों ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सतगुरुदेव की जय। जी के आशीर्वचनों के साथ ही सत्संग कार्यक्रम पूरा हो रहा है। अब गुरु पूजा का एक छोटा सा कार्यक्रम, उसके पश्चात भोजन भंडारे के लिए आप लोग चलेंगे। साहब जी की तरफ से यह सबके लिए आदेश है कि जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं सब लोग भोजन पा करके जाएंगे यहाँ से। आज के दिन पूजा का जो कार्यक्रम है वह प्रारंभ किया जाए। बोलिए सतगुरु देव की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। गुरु देव सतगुरु मुक्ति दाता ते बाल चंदन पुष्प चरणों हार गल दीजिए कर जोर करो मैं स्तुति गुरु तरण तरण दयालो क्षमा करो दीन जीवन बाल आप पार करो साहेब जानते सब मांगी मैं अधम करनी जीव सतगुर नाही हो कछु लायक गुरु करत हो मैं विनती। जिन सज्जनों को माताओं को श्रद्धा सुमन समर्पित करना हो, बंदगी करना हो, वो आ सकते हैं।
कर जोर कर मैया स्तुति गुरु तरन तरन दयाल क्षम करो अपराध साहेब दीन जीवन बाल आप पार करो साहेब जानते सब मांगी मैं अधम करनी जीव सत गुरु ना कछु लाय कि गुरु करत हो मैं विनती प्रभु सुने जो दास को अधम उदार नभार जीवन करत सनाथ की जगत स्वामी अजीत साहेब परख गुण को गहि सके दया क्षमा दी हो जिन में आप को सो लै सके मो में सदगुण नाही साहेब लहू में कैसे आप को बार बार मैं करत विनती शरण लीजे दास को शरण शरण मैं शरणु कहत बने कछु ना जानत सबके सर्वोपरि गुरु माँ करुणा निधि है स्वागतम मंगल करन शुभ आइए भोले हुए निज दा स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार दूर देश से पधारे दूर देश से आप पधारे सई कष्ट पार आपका स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार हृदय बिछा है चरण जमावे हृदय बिछा है चरण जमावे रह रही करत पुकार आपका स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार सेवा हम कछु कर न सकत है सेवा हम कछु कर न सकत है लज्जित हैं कई बार आपका
शिवा स्वागत है कईवा आपका स्वागत है कईवा अति आनंद भयो हम सबको अति आनंद भयो हम सबको पायो तरस तुम्हारे आपका स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार गुरुदेव सत गुरु मोपिदाता तेई धो नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं आया हूँ मैं तेरे द्वार गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं आया हूँ मैं तेरे द्वार गुरु जी करो स्वीकार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार मैं तो निर्गुनिया हूँ इतनी सी बात है मैं तो निर्गुनिया हूँ इतनी सी बात है मेरे जीवन की डोरी अब तो तेरे हाथ है मेरे जीवन की डोरी अब तो तेरे हाथ है चंदा सा मान पाऊं सूरज सा शान पाऊं चंदा सा मान पाऊं सूरज सा शान पाऊं इतना तो कर दो उपकार गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार सुन लो हमारी अर्जी हमें कुछ ज्ञान दो सुन लो हमें कुछ ज्ञान दो जीवन में जीना सीखें ऐसा वरदान दो जीवन में जीना सीखें ऐसा वरदान दो नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं आया हूँ मैं तेरे द्वार गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार
बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। कबीर जयंती अमर हो, कबीर जयंती अमर हो। जब तक सूरज चांद रहेगा गुरु कबीर का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा गुरु कबीर का नाम रहेगा। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब की बाती सुरती जो ती जा जाग साहेब आरती हो, साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो टूटी गयो यम जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, दीन दयाल साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतन की कृपा से भय उपरख परकास साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर बिनवत हाँ कर जोरी के गुरु शरणागत तो काम क्रोध मद लोभ में नित में रहूं भुला दीन दास प्रभु जानिक लीजे बंद छुड़ा मम दृष्टि महामली बानी के बीच दया करी गुरु बोधि मैं हूँ अधम यतनी काल जाल बहु फेर पर मैं निपट गवा शरण आए की लाज साहेब लीज उबाल मन बच कर्म गुरु साधु टूटे नाम मने बंद छोड़ या दीजिए वरदान सदा याचे साहेब के दरबार कमी काहू की ना बंदा मोह पावे नहीं चौक चाकरी ना ना गुरु रधिकम तत्व ना गुरु रध गुरु ज्ञानम परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्त्वम गुरु परम। सभी लोग नीचे बैठ जाएं।
पेट धरिहा वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु अभिलाष साहेब की, सतगुरु अभिलाष साहेब की।